ये देखो ये तस्वीरों में जो है अवैध कब्जे जितने भी हैं सबको तोड़ कर हटाया जा रहा है। आधा घंटा पहले बोला गया बस, लेकिन पटना नगर निगम तो ये बोल रहे 7 दिन पहले आप लोग तो बोले एक महीना पहले बोले तो की बात है, इससे बात है। आप लोग को अल्टीमेटम नहीं मिला था? कुछ नहीं, आधा घंटा पहले बोला गया कि हटा, आधा घंटा में क्या डालेगा, पहाड़ हटालेगा आदमी आधा घंटा में। आपने अवैध कब्जा किया था आप लोगों ने? अबे तो नौकरी नहीं है, कुछ रोजगार नहीं तो क्या करेगा आदमी, सो बताइए आप। समय दिया हुआ, पूर्व में भी समय दिया गया, ये लोग झूठ बोलते हैं, पूर्व में भी समय दिया गया, माइक से अलाउंस भी कर दिया गया है, बार बार इन लोगों को कहने के बावजूद भी यही लोग जो मानने के तैयार नहीं रहते हैं। अवैध कब्जे को लेकर पटना नगर निगम जो है अब वो सख्त हो गई है। आप देख सकते तस्वीरों में जो अवैध कब्जे को जो हटाया जा रहा है, जिस तरह से अवैध कब्जा लोग कर रखे हैं उसके खिलाफ जो है पटना नगर निगम जो है अब सख्त एक्शन लेने जा रही है। आप देख सकते तस्वीरों में जो जितने भी अवैध कब्जे हैं सबको हटाया जा रहा है, घरों को तोड़ा जा रहा है। हमारे साथ पटना नगर निगम के अधिकारी हैं, क्या कर रहे हैं सर? सर ये देखो ये तस्वीरों में जो है अवैध कब्जे जितने भी हैं सबको तोड़ कर हटाया जा रहा है। पटना नगर निगम जो है अब अवैध कब्जा को लेकर सख्त हो गई है। सर अब ये लोग अवैध कब्जा कर रखे थे क्या? अवैध रूप से पूर्व से ही कब्जा किए हुए हैं, अभी बरसात का मौसम है, नाला और नहीं सामान छोड़ दीजिए, नाला बरसात का मौसम आया है, पूर्व इन लोगों को सूचना दे दिया गया था कि अवैध रूप से जो भी कब्जा किए हुए हैं नाला पर उनको खाली कर दें, अन्यथा निगम के द्वारा जो है अतिक्रमण अभियान के द्वारा आप लोग को हटा दिया जाएगा, इसके सारी जवाबदेही आप ही पर होगी। अभी लॉकडाउन के चलते इन पर हम लोग फाइन भी नहीं कर रहे हैं और इनको सामान को हटा दिया गया ताकि नाला की सफाई सुचारू ढंग से हो सके। कितने दिन का अल्टीमेटम आपने इन लोगों को दिया था? लेकिन एक सप्ताह पूर्व में भी दे दिया गया है, लेकिन फिर भी ये लोग अपने सामान नहीं खाली नहीं किए, बाध्यता होकर निगम के पदाधिकारी के द्वारा इनको हटाने का अभियान चलाया, अतिक्रमण अभियान चलाया गया। चलिए ठीक है, पटना नगर निगम के अधिकारी थे। आप देख सकते हैं जो ये जो इनका जो बयान है वो कह रहे हैं कि जो इन लोगों को जो है एक सप्ताह पहले ही अल्टीमेटम दे दिया गया था घरों को खाली करने का, लेकिन ये लोग इसके बावजूद जो है ये लोग घरों को खाली नहीं किए। यही कारण है कि पटना नगर निगम जो है अब उतर कर और अभी जितना भी अवैध कब्जा है सबको तोड़ कर हटा रही है। आप देख सकते तस्वीरों में कैसे इन्होंने घरों को तोड़ कर हटा दिया, जेसीबी आई हुई है और जेसीबी के द्वारा जो है एक एक करके सभी अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। नाला सफाई किया जाना है, नाला सफाई करने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी, यही कारण है कि अब पटना नगर निगम जो है अवैध कब्जा को हटा रही है। पुलिस बल की मौजूदगी है, पुलिस बल की भारी मौजूदगी में जो है इस अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। जितने कुछ स्थानीय लोग हैं ये उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या उनको अल्टीमेटम दिया गया था या नहीं दिया गया था। आप यहीं के हैं, अल्टीमेटम मिला था आप लोगों को? नहीं, आधा घंटा पहले बोला गया बस, लेकिन पटना नगर निगम तो ये बोल रहे 7 दिन पहले आप लोग तो बोले एक महीना पहले बोले तो की बात है, इससे बात है। आप लोग को अल्टीमेटम नहीं मिला था? कुछ नहीं, आधा घंटा पहले बोला गया कि हटा, आधा घंटा में क्या डालेगा, पहाड़ हटालेगा आदमी आधा घंटा में। चुतिया रहती है सब, फायदा थोड़ी है, आप लोग थोड़ी दिखा पाइएगा सरकार के खिलाफ, तो लोग बोल ही नहीं सकते आप लोग, आप लोग आवाज नहीं निकलता सरकार। नहीं ऐसा नहीं है सर, जो सच्चाई है हम वही दिखाते हैं। दिखा तो कौन मीडिया वाला सच्चाई दिखा रहा, सब तो आजकल बिका हुआ मीडिया वाला, कोई मीडिया वाला दिखा। हम वैसे मीडिया वाले नहीं है जो तो देख रहे हैं, इस साला कुर्सी कुमार जो है एक तो कोरोना मारे पर से इस साला सरकार मार रहा सब, सरकार किसी का सुन रहा है, गरीब को तो सब मार रहा है। चलिए अभद्र भाषा का हम उपयोग नहीं करते हैं और आपको भी नहीं करना चाहिए, हम यही कहते हैं। बताइए, जब आदमी का पेट पे मार होता है ना तो सब भाषा निकलता है, सबसे बड़ा मार पेट का मार होता है। आप लोगों को अल्टीमेटम नहीं मिला था ये बोल रहे हैं आप? नहीं, आधा घंटा पहले बोला कि आधा घंटा में क्या हटा, आपने अवैध कब्जा किया था आप लोगों ने? अबे तो नौकरी नहीं है, कुछ रोजगार नहीं तो क्या करेगा आदमी, सो बताइए आप। बोला जा रहा है कि 7 दिन पहले आपको यहां नहीं सर, नहीं सर वैसा कोई नहीं, यहां पे अधिकारी लोग जो आए वो बोल रहे 7 दिन पहले आपको, अब उनको ऊपर से जो आदेश होगा कहने को लोग कहेंगे, हम लोग को तो आधा घंटा पहले बोला गया, नाम से अधिकारी गई आपके सामने ना, आधा घंटा पहले बोला गया, आधा घंटा हम लोग क्या हटा पाएंगे अभी बताइए ना। का भी क्षति हुआ होगा, टोटल तोड़ दिया गया, देखे ना सब तोड़ा हुआ है सब, आधा घंटे में कितना हटा पाएगा फिर सोचिए ना। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है इसका हिसाब तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन स्थानीय जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इनको अल्टीमेटम जो है वो नहीं दिया गया था, लेकिन हकीकत तो यही है जो ये अवैध कब्जा था, लेकिन लोगों का ये भी कहना है जो हम क्या करें।
हम कहाँ जाए, हमारे पास जमीने नहीं है, तो ऐसे में कौन सही है कौन गलत वो हम नहीं बता सकते हैं। ये देख लीजिए तस्वीरों में, पटना के मंदिरी इलाके में मैं अभी मौजूद हूं और यहां पर पटना नगर निगम की कार्रवाई चल रही है। खाली कर दीजिएगा, अगर नहीं खाली कीजिएगा तो फिर आपको जुर्माना दिया जाएगा। है ना, आप ये बताइए आने वाले समय में अगर बरसात होगी कुछ भी अपनी घटना घटेगी उसकी जिम्मेदारी आप कौन लेते हैं? आप लेते हैं, फिर आप प्रशासन पे दो देंगे। आप इसको कल खाली कर देंगे, पीछे से हटा लीजिए, पूरे खाली कर लीजिए, क्योंकि बरसात का मौसम आ रहा है, पानी बरसेगा फंसेगा, इसका जिम्मेदारी आपकी होगी। कैसे उड़ाई होगा ये बताइए, गाड़ी का आने का समय रहता है, चला जाता है फिर भी हाँ आता है ना, तब इसको खाली कर दिया, आपको कल कवर का समय दे रहे हैं, पीछे पूरा खाली कर दिया, साइड पूरा खाली कर रही है। अब समय दे रहे हैं सर आप इन लोगों को, समय दिया हुआ, पूर्व में भी समय दिया गया, ये लोग झूठ बोलते हैं, पूर्व में भी समय दिया गया, माइक से लॉन्च भी कर दिया गया है, बार बार इन लोगों को कहने के बावजूद भी यही लोग जो मानने के तैयार नहीं रहते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि मात्र आधा घंटा पहले लोग तो यही कहें, ये लगातार तीन दिन से अभियान चल रहा है, कल हम लोग हटा लटा है, कल भी अभियान चलाया, कल मौखिक रूप से कहा गया कि आप लोग हटा ले, आज माइक के द्वारा प्रचार कर दिया गया है कि बाबू तुम हटो, चलिए भेटा आप लोग कल भी हटा, हम लोग अभियान चलाया है, कल टास्क खटाल को आगे संप हाउस के पास से खटाल हटाया गया, कल मौखिक रूप से हमारे टास्क फोर्स निगम के कर्मियों के द्वारा सूचना दे दी गई है कि नाला किनारे जितने भी अवैध रूप से कब्जा किए हैं उसको तत्काल खाली कर दें, अन्यथा कल पुनः अभियान चलाया जाएगा और ये इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी कि इन्होंने की सूचना नहीं दिया गया। सुबह आने पर प्रतीत हुआ कि इन लोग को कुछ समझ में नहीं आया, माइक के द्वारा प्रचार कर दिया गया, उधर हम उतर रहे थे, उसके बावजूद ही लोगों ने नहीं हटाया, आने के बाद इन लोगों को सामान को क्षति नहीं किया गया, सामान इन लोगों को साफ से हटा दिया गया है, अपने स्तर से सामान हटा लिया गया, उसका जो झुंगी झुपड़ी जो है उसको खाली कराया गया। तो ये लगातार अभियान चलते रहेगा, जहाँ जहाँ नाला पर उड़ाही करने में अवैध रूप से कब्जा किया, नाला उड़ाही में दिक्कत हो रही है, वह उस जगह हम लोग अतिक्रमण को मुक्त कर रहे हैं। ठीक है, सुना आपने, पटना नगर निगम के अधिकारी थे, एक बार फिर से इन लोगों को जो है समय दिया गया है कल तक का, अब देखना ये होगा कि कल तक ये लोग जो है इस अवैध कब्जा को खाली कर पाते हैं या नहीं, लेकिन पटना नगर निगम की तरफ से एक बार फिर से इन लोगों को चेतावनी दी गई है और आज जो है इन लोगों को छोड़ दिया गया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि कल ये लोग खाली करते हैं या नहीं। पटना के मंदिरी इलाके में मैं अभी था और अब देख रहे थे पटना के मंदिरी इलाके से ये रिपोर्ट, मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।